हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की रीडिंग जो है वो है करंट फीलिंग्स एंड ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर्स की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस भी देखूंगी मैं, और आप लोगों के कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जी भी मैं चेक करूंगी अपने हैंड रिटन इन नोट्स है। ओके, तो रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, ऑल जेंडर्स की रीडिंग है और ऑल साइंस की ये रीडिंग है, लेकिन फिर भी स्टार साइन जो भी आएंगे रीडिंग में आई विल टेल यू। एंड आप इस रीडिंग को मैरिड भी देख सकते हैं, लाइक मैरिड आपकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है लेकिन आप डाइवोर्स्ड हो, आप वो भी देख सकते हो। सिंगल्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और जो रिलेशनशिप में है वो भी रीडिंग को देख सकते हैं। तो आप इसको सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग को देख सकते हैं, मेल के लिए भी देख सकते हैं एंड फीमेल के लिए भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आपने रखना है एंड लीव द रेस्ट। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका छोटा सा एक सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब करना होता है वो मेरे लिए इट मीन्स अ लॉट टू मी। यू गाइज हैव नो आइडिया, सीरियसली इट मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग मेरी वीडियोज़ वॉच कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरा साथ देते रहें, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह रीडिंग लेके आती रहा करूँगी। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं आप लोगों के। सबसे पहले मैं देखूँगी आप लोगों के जो कनेक्शन है उसकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है। सो लेट्स चेक। यूनिवर्स गाइड करें कि जो भी मेरे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनकी और उनके पार्टनर्स की, उनके लिए करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आप लोग पॉजिटिव रहें और अपना फोकस अपने पार्टनर की तरफ बनाए रखें। आप लोगों के पार्टनर्स और आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है। ट्रूथ, तो मे बी आपके पार्टनर आपसे किसी किस्म का ट्रूथ बोलना चाहते हैं, शायद पास्ट में उन्होंने आपके साथ झूठ बोला है, तो अब आपके साथ क्लियर बात करके आपको सच बताना चाहते हैं। गॉसिप, तो आप लोगों में से मे बी काफ़ी लोगों आप लोगों के बारे में, आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी लोग हो सकता है गॉसिप कर रहे हो। यू नो फेस पे कोई बातें नहीं करते लेकिन बैक पे काफ़ी लोग गॉसिप करते हैं, मज़ा आता है उनको शायद। एम्प्टीनेस, तो आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन हैं कहीं ना कहीं अपने आप को एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की जो है बिल्कुल भी बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही और आपकी भी नहीं हो रही, तो आप भी उनके साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा खालीपन आपको फील हो रहा है। ड्रीम, तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स भी आपको ड्रीम के थ्रू में भी आपका टेलीपैथी कनेक्शन हो रहा है और आप लोग भी शायद अपने पार्टनर्स को ड्रीम में देख रहे हो। वन मोर कार्ड, रिग्रेट्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है काफ़ी, लाइक आपके पार्टनर्स ने में भी आप लोगों के साथ कोई पास्ट में यहाँ पे आपको चीट किया है, अब वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में हैं। पीस चाहते हैं आप लोग भी और आपके पार्टनर्स भी, आप ताकि आपका रिलेशनशिप एक अच्छी तरफ जाए और आपकी यू नो मीट आपका मीटअप हो, आप लोगों की रिकॉन्सिलिएशन हो ताकि आप लोग पीस फील करें। तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोगों में से काफ़ी लोग जाते हैं ट्रूथ भी सामने आए, आप लोग जाते हो शायद आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं आपके साथ सच बोलें, और अगर आपके साथ उन्होंने गलत किया है तो आपसे माफ़ी मांगें। चलें लेट्स सी, टैरो से मैं देखूंगी, यूनिवर्स गाइड करने के जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स आप लोगों के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा है माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो यहाँ पे कार्ड आ गया है कि आप लोगों से, आप लोग भी जाते हो कि आपके साथ गलत किया आपके पार्टनर्स, तो आपसे माफ़ी मांगे। क्वीन ऑफ कप्स, तो वो मांगेंगे भी आपसे।
टेन ऑफ सॉर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक की एनर्जी है। मे बी आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पार्टनर्स ने यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डिच किया है, बुरे तरीके से उनको धोखा दिया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको बताती हूँ एक ही दफ़ा कार्ड सब आ जाए तो बताती हूँ आप। हैंगमैन, मैजिशियन एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा उनकी लॉन्लीनेस वाली काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड एनर्जी है। जैसे यहाँ पे एम्प्टीनेस की एनर्जी आ रही थी तो यहाँ पे एम्प्टीनेस को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ फील कर रहे हैं, आप लोगों के बगैर, बिकॉज आप लोगों ने उनको छोड़ दिया है, आप वो लोग मूव ऑन कर चुके हो, इसीलिए उनको वो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोगों से कैसे बात करें ताकि आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। लाइक आप लोगों के साथ शादी करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ रीयूनियन चाहते हैं, आप लोगों के साथ एक अपना घर बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पर स्टार साइन जो से हैं, यहाँ पे अर्थ साइन है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। द हैंगमैन है पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैजिशियन वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे जो स्टार साइन है वो है फायर साइन, एरिस लियो सैज बहुत कम है, और यहाँ पे एयर साइन है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे साइन पाइसिस है, मे बी पाइसिस से आप डील कर रहे हो सकता है आपका स्टार भी पाइसिस हो, और द मैजिशियन वर्गो की यहाँ पे एनर्जी है, वर्गो या जेमिनाई आप लोगों के पार्टनर्स का स्टार हो सकता है। चलें लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, आप लोगों के लिए आपके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं। तो आप लोगों के पार्टनर्स सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, यू नो, ये देखें आप लोगों के साथ पेज ऑफ पेंटिकल, आप लोगों को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप लोगों के साथ उन्होंने गलत किया है पास्ट में तो आप लोगों के साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। उन्होंने मे बी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में हार्ड वर्क किया है और अब वो भी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की स्टक एनर्जी भी है, आप लोगों में से बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटका हुआ फील करते हैं। लाइक आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ शादी करना चाहते हो लेकिन अभी आपकी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा स्टक है, आप लोग अटका हुआ फील करते हो, लाइक यू नो कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ में स्टक हो, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही, ना आगे हो रही है ना पीछे को हो रही है, कोई भी लाइक हो नहीं रही, लगता है आपको जैसे कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अटकी हुई पोजीशन है तो आप लोग के पार्टनर्स भी आप लोगों के साथ शादी करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अटका हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, स्टक, यू नो, स्नेगनेंट पोजीशन है उनकी और काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन वो कर रहे हैं अब चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप लोगों के साथ आपको ऑफर किया जाए, आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आप लोगों के साथ मैरिज मटीरियल आपके साथ यू नो फील करते हैं कि आपके साथ शादी करें, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग और अपने आप की तरफ, यू नो, आप वो उनको लगता है आपके लिए, आप फील करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो। ये किंग ऑफ फ्रेंड्स आपके पार्टनर आपके लिए, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, अट्रैक्शन है आपकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप लोग लाइक बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो, अपनी यू नो अपनी तरफ ही ज़्यादा फोकस किए रखते हो, आपको किसी से नहीं गर्ज के कोई यू नो किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप किसी को दुख देने वाली आपकी एनर्जी नहीं है, आपको फील वो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, लेकिन आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। 10 की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप लोग ब्रोक हुए हुए हो, यू नो टोटली डिसहार्ड आप हुए हो और टोटली हार्ट ब्रोक हुआ है आप लोगों का, और आपके पार्टनर आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों की भी एनर्जी मुझे लग रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ पे, ताकि आप लोगों से आप के पार्टनर्स की बात हो। काफ़ी ज़्यादा आप लोग पावरफुल हो, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करोगे आप लोगों की वो मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, अपने आप को हील करें आप लोग, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, हीलिंग करेंगे अपनी और मैनिफेस्टेशन करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप लोगों की जो यू नो जो भी कोई रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो पार्टनर्स आपकी जो रनर चेजर वाली एनर्जी थी आप लोगों की, अगर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स को यू नो रन कर रहे थे, लाइक आप चेस कर रहे थे, वो भाग रहे थे आपसे, तो अब आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स को यू नो करना छोड़ दिया है, अब आप लोगों ने चेस करना छोड़ दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको मनी की तरफ से यू नो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, काफ़ी ऐसा लग रहा है। तो जो मैरिड हैं लाइक डिवोर्स्ड हैं, उन वो भी शायद चाहते हैं कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन वो भी कर रहे हैं कि उनका भी
कहीं ना कहीं उनके पार्टनर्स भी उनकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स, उनकी भी रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, रीयूनियन हो सकती है। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा मुझे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फील करते हैं। चाहे लेट सी, मैं देखती हूँ अब साइकिटेट से देखती हूँ, साइकी टैरोट से बाद में देखूंगी, पहले मैं देखती हूँ विच टैरोट डेक से कि आप लोगों के पार्टनर्स और क्या आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं, मज़ीद क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए टू नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी टू डेज़ में या टू वीक्स में आप लोगों के पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, कुछ लोगों के पार्टनर्स की, मे भी आप लोगों की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आपके साथ। यूनिवर्स गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त रीडिंग को, उनके पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए इमोशनली क्या फील करते हैं। अब वर्क करना चाहते हैं आप लोगों के पार्टनर्स, आप लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं, जो भी उन्होंने मनी बनाई है अपनी लाइफ में, कोई भी अगर उनको सक्सेस मिली है तो वो उनकी अपनी मेहनत से मिली है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है और आपके साथ बहुत ज़्यादा यू नो अब आपके और अपने मतलब लाइक आपके साथ वो रिलेशनशिप पे, रिश्ते पे वर्क करने के लिए रेडी हैं, वर्क करना चाहते हैं ताकि आपका जो रिश्ता है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फील करते हैं आप लोगों के पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड, आपको द वर्ल्ड की तरह देखते हैं, लाइफ कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के साथ में भी। यहाँ पे कुछ अगर आपकी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, डिफ़िकल्टी, तो आप लोगों की अभी लाइफ में साइकिल चल रहा है, यू नो ये यूनिवर्स की तरफ से ही, आपका डिवाइन की तरफ से साइकिल है जो आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है, उसके बाद ही कुछ थोड़ा आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी मुझे बहुत हैवी फील हो रही है, यू नो जब सैटर्न थोड़ा टेस्ट लेता है तो ऑब्वियसली आपको डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जब सैटर्न 180 डिग्री पे यू नो जब उसने घूमना है तो फिर उसने आपके जो भी पेशेंस है उसका आपको फ्रूट ज़रूर देना है। तो देखेगा आपको कि आपने पेशेंस कैसा बनाया रखना है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें और जो उस दौरान आपका एटीट्यूड होगा उसको पॉजिटिव रखें, तभी आपको इस सब चीज़ों का एक रिवॉर्ड मिलेगा पॉजिटिव। तो अकम्प्लीशन चाहते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा। देखते हैं और कि आप लोगों के पार्टनर्स की आप लोगों के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या फील करते हैं, क्या इमोशनली फील कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आप लोगों के लिए। टेम्परेंस, तो आप लोगों के पार्टनर्स ने और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया तो आप लोगों को पेशेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नो अगर आप कुछ चीज़ें कर भी रहे हो इस वक्त तो अभी टाइम आपकी फेवर में नहीं है, आपको चाहते या ना चाहते हुए भी आप लोगों को यहाँ पे पेशेंस करना पड़ रहा है, आप लोगों ने सब्र किया हुआ है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो और कई लोगों ने यहाँ पर बैलेंस बनाया भी हुआ है। तो इसी तरह आप पेशेंस रखें तो चीज़ें बिल्कुल बहुत बेहतर होंगी और आपके पार्टनर्स और आपका जो यूनियन है वो बिल्कुल होगा, यूनियन चाहते भी हैं आप लोगों के पार्टनर्स और यूनियन आपका होगा, डिवाइन ज़रूर करवाएगी आप लोगों का यूनियन। सो बी पॉजिटिव, कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा जिसकी भी एनर्जी मुझे आई है व्यूवर्स की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप कुछ डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, हार्ड टाइम्स फेस कर रहे हो, तो नो डाउट आपका बहुत जल्दी एक अच्छा टाइम आने वाला है, गुड पीरियड आपका बहुत जल्दी आएगा। टेन ऑफ सॉर्ड, सेम कार्ड, टेन ऑफ सॉर्ड यहाँ से भी आया, टेन ऑफ सॉर्ड यहाँ से भी आया, बहुत ज़्यादा आप लोग हैवी फील कर रहे हो, आपकी इतनी ज़्यादा टूटी हुई एनर्जी है, आप इतना ज़्यादा यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा आप लोग ना यहाँ पे डिसहार्ड हो, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया, यू नो जैसे आपके आपको तोड़ के रख दिया, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत हैवी आ रही है, रिपीट हो रहे हैं सेम कार्ड बैक टू बैक, एट ऑफ पेंटिकल्स भी रिपीट हुआ है डिफरेंट डेक में से एंड टेन ऑफ सॉर्ड भी रिपीट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा है यू नो आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी, जिनकी यहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा कि अब आपका रिलेशन आगे कैसा कहाँ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैडनेस की एनर्जी है।
यू नो बहुत ज़्यादा, जैसे एक यू नो मरने के करीब इंसान होता है ना, वैसे आप लोगों को एनर्जी मिल रही है कि एक बिल्कुल ही आप को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपने उम्मीद रखनी है आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना आए हैं, द मैजिशियन मेजर अरकाना, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आप लोगों के लिए. सो बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स जो हैं आपको इस तरह देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं यहाँ पे आपको देखते हैं, अगर आप लोगों के पार्टनर्स लाइक आप अगर डिसहार्ड वाली एनर्जी में भी हो ना, तभी आप लोगों के पार्टनर्स आपको देखते हैं, आपके पास बहुत फर्टिलिटी है, बहुत अबंडेंस है, आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है. आप लोगों के पार्टनर्स आपको इसी तरह ही देखना चाहते हैं, तो आप लोग इसी एनर्जी में रहें सेल्फ केयर की. जो नहीं कर रहे अपनी सेल्फ केयर वो यहाँ पे सेल्फ केयर करें. रोना धोना बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने, जितना रोए धोएंगे उतनी चीज़ें वर्स्ट होंगी. इसीलिए आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, तभी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी और हैप्पीनेस और यू नो पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे. देखते हैं और क्या इमोशनली फील कर रहे हैं, डिटेल रीडिंग है ताकि आप लोग जो है पॉजिटिव रहो. द सन का कार्ड यहाँ पे कल भी आया था रीडिंग में, आज भी द सन का कार्ड आया है. आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं. द सन जहाँ पे कार्ड आ जाता है वहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप लोग खुशियों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो. ऐसे ही खुश रहो और पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करो, यही हार्ड टाइम्स में आप लोगों का काम आती हैं. तो हैप्पीनेस चाहते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आपके साथ, री यूनियन चाहते हैं, और द हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है द सन का, कि हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आएगी, लव आएगा बहुत ज़्यादा, शादी होगी आप लोगों की. अगर आपको लगता है कि नहीं होगी तो वो भी आपके पार्टनर से आप लोगों की हो जाएगी. टेन टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं यू नो अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा, दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है. तो इसलिए वो जब चीज़ों को समझेंगे तो ही आप लोगों की तरफ आएंगे, कुछ लोगों का, बहुत स्मॉल सेट ऑफ पीपल, नॉट फॉर एवरी वन. ओके, फाइव ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा डिसहार्ड एनर्जी है यहाँ पे, आप लोगों की भी है, आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा डिसहार्ड फील कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने आप लोगों को जो पास्ट में किया है बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रोक किया है. तो अब वो अगर मूव भी कर गए ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर वो मूव कर गए हैं आप लोगों को छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ चले गए हैं ना, लाइक शादी कर ली उन्होंने या आपके साथ ब्रेकअप हो गया, आगे मूव कर लिया, तो फिर भी वो पास्ट की एनर्जी में है. आप लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा डिसहार्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक अनहैप्पी फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं. सब कुछ उनकी लाइफ में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं और अभी टीम वर्क करना चाहते हैं आप लोगों के साथ. यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, अगेन रिपीट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. तो आप लोगों के साथ पार्टनर आपके टीम वर्क करना चाहते हैं, भी काफ़ी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से भी गुजर रहे हो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट. चलिए मैं साइकिक से देखूंगी आप लोगों के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक आप लोगों की तरफ वो आएंगे. यहाँ पे नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो दोबारा रिपीट हुए हैं, 10-10 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. कंप्लीशन चाहते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के साथ. 888 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर्स का, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा. आप लोगों के पार्टनर्स का आप लोगों की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा. सो लेट्स सी, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर्स का, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा. आपके पार्टनर्स का आप लोगों की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. नंबर वन अवेयरनेस, आप लोगों के पार्टनर को ना समझ यहाँ पे आ रही है. मैजिशियन का कार्ड सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये नीचे भी मैजिशियन का कार्ड था, साइकिक टैरट में से अवेयरनेस कार्ड है मैजिशियन का. तो आपके पार्टनर्स का यहाँ पे क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, उनको चीज़ों की समझ आ रही है. कुछ लोगों के पार्टनर्स का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, और उनकी जैसे उनको समझ आएंगी चीज़ें तभी वो आप लोगों की तरफ यू नो स्टेप लेंगे. उनको चीज़ें अब समझ आ रही हैं,
नेक्स्ट सेक्शन यही होगा, उनको चीज़ें समझ आएंगी, जो भी कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में कोई चल रही है किसी भी रिगार्डिंग, तो वो आप कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होगी और आप लोगों की तरफ एक्शन बोलेंगे। मेरे व्यूवर्स का, उनके व्यूवर्स के पार्टनर का, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नंबर 11 बैलेंस। तो मे बी आप लोगों में से बहुत से लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोगों के पार्टनर जो है यहाँ पे बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है, काफ़ी ज़्यादा अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा था पास्ट में, अब वो बैलेंस बनाएंगे आप लोगों के साथ ताकि बैलेंस बने आपका नेक्स्ट फर्दर रिलेशनशिप में। इक्वल गिव एंड टेक हो, जिन लोगों के पार्टनर्स ने पास में यहाँ पे उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया और अब जो है वो वापस आके तो उनके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ के आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 222, 2 days, 2 weeks में आप लोगों के साथ बात हो सकती है, ज़्यादा है ज़्यादा 2 months में हो जाएगी। नंबर 14 पेशेंस। तो आप लोगों के पार्टनर्स जो है पेशेंस से इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे और आपसे यू नो आराम से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे और अब कन्फ्यूजन उनकी सब कुछ ख़त्म होगी जो पास्ट में उनकी कोई कन्फ्यूजन थी। तो नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, चेंज चाहते हैं आप लोगों के पार्टनर ताकि आपका रिलेशनशिप चेंज होगा। यू नो देख रहे हैं आप लोग कैसे यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है और वो ग्रोथ कर रहा है, तो आप लोगों के पार्टनर आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं ताकि पेशेंस करेंगे तभी आगे आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अभी इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है ताकि आगे चीज़ें अच्छी हों। नंबर 9 सफरिंग इन साइलेंस। तो मे भी कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में हैं। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं, उनको समझ नहीं आ रही अभी कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, खामोशी से भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अभी देख रहे हैं। कॉन्टम्पलेशन आपको मैंने पहले ही बताया है, द हैंगमैन, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं ताकि आप आगे चीज़ों के लिए वो सोच सकें, अवेयरनेस उनको चीज़ों की आएगी तभी आपकी तरफ पेशेंस रख के बैलेंस बनाएंगे। तो यहाँ से आया क्राउन चक्रा, जैसे अवेयरनेस का कार्ड आया तो अभी उनकी चीज़ें जो हैं समझ आएंगी जो उनके समझ नहीं आ रही। सैक्रल चक्रा, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे यू नो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, यहाँ पे नीचे 222 की एनर्जी है, यहाँ पे 222 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नंबर, उनको भी समझ नहीं आ रही भी बोल रहा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कि क्या वो डिसीजन लें और क्या चॉइसेस, उनको समझ नहीं आ रही। मे भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा माइंड में उनकी चीज़ें चल रही हैं, इसी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन उनका क्राउन चक्र अब ओपन होगा, अगर पहले क्लोज था तो अब ओपन होगा और उनको चीज़ें समझ आएंगी और आपके साथ क्रिएट करेंगे वो फर्दर नेक्स्ट चीज़ें, नेक्स्ट एक्शन उनका यही लग रहा है। चेंज चाहते हैं आप वो रिलेशनशिप में, चलें उनकी तरफ से मैं चैनल मैसेज देखूंगी कि वो अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो व्हाट दे वांट टू से टू यू। जिन लोगों की यहाँ पे बात नहीं हो रही, अगर हो भी रही है क्रश हैं, तो अगर आपको उनकी अंदर इनर फीलिंग्स का नहीं पता तो अगर आपसे यू नो खुल के अपनी इजहार नहीं करते अपनी फीलिंग्स का, तो देखेंगे इनसे कि उनके आप लोगों के लिए व्हाट दे वांट टू से। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस उनकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर्स के चैनल मैसेजेस कि वो मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर्स। चले मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी बिकॉज ये शफल सही से नहीं होते। तो वो आपको कह रहे हैं आई चूज़ माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक। आपके पार्टनर से अपनी फैमिली को चूज़ किया था पास्ट में, अब वो स्टक फील कर रहे हैं। हैंगमैन की पोजीशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है, आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो, वो भी स्टक फील करते हैं अपने आप। आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी। आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला है पास्ट में तभी आप लोगों का दिल तोड़ा है, अब वो फील सॉरी फील कर रहे हैं। माई लाइफ इज़ वन बिग मेस एट द मोमेंट एंड आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग यू डाउन एंड बर्डन यू विथ मी, आई नीड टू फोकस ऑन एंड फिक्स दिस फर्स्ट। तो वो कह रहे हैं उनकी जो अभी लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा मेस से गुजर रही है इस वक्त, तो आपको वो इस चीज़ में घसीटना नहीं चाहते, आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते, तो इस पे वो फोकस कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को फिक्स कर लें और फिर आपकी तरफ आएँ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में मैस चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो जब चीज़ें समझ में आएंगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी चल रही है, ऑब्वियसली ये टाइम बहुत ज़्यादा एक हार्ड होता है, चीज़ें कुछ लेसन सीखेंगे फिर आप लोगों की तरफ पेशेंस से मूव करेंगे ताकि आपका बैलेंस बने। अभी उनका क्राउन चक्रा जो है ना ओपन हो रहा है, उनको चीज़ें समझ आ रही हैं, अवेयरनेस हो रही है काफ़ी चीज़ों की जो पास्ट में उनको चीज़ों की नहीं थी। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज़, आई एम बिजी। चलें जी, वो कह रहे हैं जी वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कुछ ड्यूटीज़ में भी, फाइनेंशली वो भी उनका लाइफ में क्राइसिस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे सही नहीं लग रही,
तो वो अपनी उन चीज़ों को जो है ना ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, इसलिए वो ज़रा मसरूफ़ हैं, वो कह रहे हैं आप। आई वॉन्ट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, प्लीज़ मीट यू वंस। तो वो कह रहे हैं उन्होंने आपसे बहुत ख़ास ज़रूरी कुछ कहना है, तो आप उनसे एक दफ़ा मिल लें। यहाँ पे आप लोगों में से मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों ने अपने पार्टनर्स को डेट भी किया है, उसके बाद उनका शायद रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। डेट किया है आप लोगों ने पहले ना अपने पार्टनर्स को, कुछ लोगों का। आई चूज़ द रॉन्ग पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है कुछ लोग यहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि मैंने रॉन्ग पर्सन चूज़ किया है। अभी दो कार्ड मैं और लूँगी यहाँ पे। सेक्चुअल अट्रैक्शन, आई कांट होल्ड बैक एनी मोर, लेट्स प्ले। तो आप लोगों के पार्टनर्स, कुछ लोगों के पार्टनर्स को यहाँ पे उनसे सिर्फ लस्ट है, सेक्चुअल अट्रैक्शन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो कह रहे हैं लेट्स प्ले। लूजिंग यू वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, आई टुक सो मच फॉर ग्रांटेड, इट्स ट्रू यू डोंट नो वट यू हैव अनटिल इट्स गॉन। तो आप लोगों को लूज़ करना, आपके पार्टनर्स कह रहे हैं वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, आपको बहुत ज़्यादा जब आप उनकी लाइफ में थे आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे, और वो कह रहे हैं ये बात सच है कि जब कोई चीज़ आपसे चले जाती है तब आपको उसकी वैल्यू समझ आती है, जब आपके पास चीज़ कोई होती है तब आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, ये वो आप लोगों से कह रहे हैं। क्या नहीं, वो फ़ायदा क्या है जब कोई चीज़ आपके हाथ से चले जाती है, उसे पछतावा कहते हैं मेरे ही नज़र में, आप लोग भी शायद एग्री करोगे, इसको पछतावा कहते हैं, उसे कदर नहीं कहते, क्योंकि जब चीज़ आपके पास कोई होती है तब तो आपको उसकी कदर नहीं होती, तो जब चीज़ चले जाती है फिर कदर नहीं, फिर पछतावा होता है। चले मैं कुछ और भी चैनल मैसेज देखूँगी हैंड रिटन। वो कह रहे हैं आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन अवर एंड अवर, वो बार बार आपसे बात जो की है उसको, कन्वर्सेशन को बार बार रिप्ले करते हैं। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी, उन्होंने कहा आप कुछ लोगों के पार्टनर भी यहाँ पे खुद आपको उनके करीब नहीं आने दिया, तो आप वो उनको काफ़ी रिग्रेट, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो वो कह रहे हैं जब उन्होंने आपको छोड़ा था उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड था, आप नहीं जानते। आई वॉन्ट यू, आप लोगों के पार्टनर्स अब आपको चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जिस दिन आप लोगों की कोई यू नो कोई डेट किया था आप लोगों ने या आप लोगों की मीटिंग हुई थी, तो उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं उसकी डिटेल को। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, तो जी अब उनको जो समझ आ रही है जिस चीज़ों की, जो सच उनके सामने आया है या सच बोलना चाहते हैं ना अब आपसे, तो वो उसको उनको क्रश्ड कर रहा है आपके पर्सन। आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल भी नीचे आया था, तो आप लोग के पार्टनर कह रहे हैं वो ज़्यादा हैरान है ना, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है वो कि यार आप उनके बगैर जो हो इतने ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, एक थोड़ा जेलसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, उनको जेलसी कुछ हो रही है। चले मैं एंजल गाइडेंस भी आप लोगों के लिए लूँगी कि आपको किस चीज़ की गाइडेंस ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं और बेहतर हों। तो यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को, इस रीडिंग को, उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। सक्सेस, तो आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस किया है, इस वजह से आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिलीज एंड सरेंडर, तो आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिविटी कोई भी है उसको रिलीज़ करें और सरेंडर कर दें डिवाइन पे, जो चीज़ें होंगी वो सब आपके लिए अच्छी होंगी, ग्रिप्ड किसी चीज़ को पे ना करें। स्टडी प्रोग्रेस, तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस आप लोगों की यहाँ पे चल रही है, जैसे कि नीचे कार्ड भी आया था, द हैंगमैन का कार्ड भी आया था, तो आप लोगों की पोजीशन इस वक्त स्लो है आप लोगों की, तो आप लोगों को बिल्कुल भी यू नो नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना, सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, होप फॉर द बेस्ट, बार बार यही कहती हूँ, पॉजिटिव रहें, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने आप की तरफ फोकस करें, अपनी केयर करें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और जो गाइडेंस है और जो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस है वो एंजल्स की तरफ से आप लोगों की लाइफ में आएगी। ओके, तो ऑनेस्ट रहें, अपने तरफ फोकस करें, सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, फिर बाकी कोई और। नॉट द राइट टाइम, तो कुछ लोगों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, चीज़ें स्लो चल रही हैं, तो अभी आप लोगों को और कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पॉजिटिव
रहने की ज़रूरत है, फिर आप लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर होना शुरू होंगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है, लेकिन चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो ऑब्वियसली आपको आपके सब्र का फल ज़रूर मिलता है, जितना आपने सब्र किया होता है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आप लोग के पार्टनर्स आपके क्या फील करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और घंटी भी जो है नोटिफिकेशन की उसको भी प्रेस करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।